रूसी ड्रोन पर यूक्रेनी ब्रिगेड का बड़ा हमला हुआ। पीएम 1910 मैक्सिम गन से हमला किया गया। 118वीं ब्रिगेड ने रूसी ड्रोन को निशाना बनाया। तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन के कीव पर भीषण ड्रोन हमले को लेकर बड़ी खबर, जहां जुलियानी एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला हुआ। ड्रोन से कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। और एक और बड़ी खबर, रूसी ड्रोन हमले से थर्राया कीव शहर। कीव के मेयर ने बताया अभी तक का सबसे घातक हमला इसको। ड्रोन हमले में एक बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए। और अब सबसे बड़ी खबर, जहां यूक्रेन पर रूस का अब तक का ये सबसे घातक प्रहार। बड़ी खबर ये कि एक साथ 75 ड्रोन से बॉम्ब बरसाए गए हैं। कीव, सुमी, ज़ेपोरोजिया रूसी हमले में दहल गए हैं। और यही तस्वीर आपके सामने, देखिए किस तरीके से वॉर जोन से आ रही ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 75 ड्रोन से बरसाए गए बॉम्ब और एक साथ यूक्रेन पर रूस का अब तक का ये सबसे घातक प्रहार है, जहां 75 ड्रोन से बॉम्ब बरसाए गए हैं। कीव, सुमी, ज़ेपोरोजिया सब रूसी हमले से दहल रहे हैं। और वही तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां कीव पर 75 ड्रोन से बॉम्ब बरसाए गए। तो रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने 2022 के बाद अब तक का ये सबसे विध्वंसक वार किया है। और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि रूसी फौज ने एक के बाद एक 75 ड्रोन से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया। कीव में कई जगहों पर अंधेरा छा गया, इमारतें ध्वस्त हो गई। वहीं यूक्रेन ने रूस के 75 ड्रोन में से 74 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। हालांकि रूस के 75 ड्रोन में से 74 ड्रोन मार गिराए हैं। रूस के यूक्रेन की तरफ से ये दावा तो किया जा रहा है, लेकिन रूस ने एक के बाद एक जिस तरीके से ड्रोन हमलों को अंजाम दिया है, ज्यादातर इलाकों में अंधेरा छा गया है। कीव में 17,000 घरों की बिजली गुल हो चुकी है। यूक्रेन के सुमी और ज़ेपोरोजिया में ड्रोन हमले को लेकर बड़ी खबरें हैं। निप्रोपेत्रोस और मैकोलेव में हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी सेना ने जवाबी हमला किया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ड्रोन हमले पर यूक्रेन आर्मी का बड़ा दावा। 75 ड्रोन हमले में 74 को नाकाम किया। कीव पर किए 66 ड्रोन हमले को नाकाम किया। इस बीच सबसे बड़ी खबर यह भी कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट का एक्शन, जहां Su-30SM और Su-24M से हमले को अंजाम दिया गया। आपको बता दें यूक्रेनी ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाया गया है। वहीं यूक्रेनी एयरफोर्स का रूस पर बड़ा आरोप, रूस ने हमले के लिए कार्बन का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें रडार सिग्नल से बचाने के लिए ड्रोन को कार्बन से ढका गया है। ये अब ड्रोन पर कार्बन के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूस के ऊपर ये बड़े आरोप लगाए हैं। तो आप देखिए यूक्रेन के प्लेटफार्म से बचने के लिए रूस अपने घातक ड्रोन पर कार्बन की चादर को चढ़ा रहा है, ताकि वो रडार की जद से बच पाए। पुतिन की बर्बादी वाली कुंडली का खुलासा कैसे सनसनी फैला रहा है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। रूस का ड्रोन विध्वंस, कार्बन बना ढाल। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन से बम वर्षा की। शाहिद ड्रोन से किए कीव पर एक के बाद एक हमले। यूक्रेनी एयरफोर्स का रूस पर आरोप है, रूस ने ड्रोन हमले में कार्बन का इस्तेमाल किया है। रडार सिग्नल से बचाने के लिए ड्रोन को कार्बन से ढका गया। रूस ने ड्रोन को काले रंग से पेंट किया। यूक्रेनी एयरफोर्स की तरफ से यह बयान दिया गया है।